प्रिय दोस्तों, आज अंग्रेजों द्वारा पश्चिमी सभ्यता का मातृ दिवस है। मेरा तो ये कहना है कि मेरा तो हर रोज ही मातृ दिवस रहता है। मेरी तो शुरुआत ही माता से होती है और शाम भी माता से होती है। मैं तो सुबह उठते ही अपने बेड पे ही दंडवत अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ और रात को सोने से पहले भी बेड पे अपने माता पिता को दंडवत प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करने के बाद ही अपना पैर धरा पर नीचे रखता हूँ। मेरा ये कहना है कि माँ के बारे में कोई कुछ ना बोल सकता है ना कोई लिख सकता है, क्योंकि माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरा संसार निहित है, जिसमें पूरे संसार का भूलोक से लेकर पतालोक से लेकर नवलोक से लेकर सब कुछ निहित है। मैं माँ के लिए क्या लिखूं क्योंकि उसने ही मुझे लिखा है, मैं माँ के लिए क्या लिखूं क्योंकि उसने ही मुझे लिखा है। और मनुष्य को माँ के प्रति वो संवेदनाएं होनी चाहिए। आपको एक छोटा सा दृष्टांत बता रहा हूं। एक व्यक्ति हर रोज जंगल में मृदंग बजाता था। जैसे वो मृदंग बजाना शुरू करता था, एक छोटा सा मेमना वहां आके 10-15 मिनट के बाद खड़ा हो जाता था। मृदंग वाला भाई उससे पूछता था, अरे भाई तुम यहाँ क्यों आते हो, तुमको क्या समझ में आता है ये सुर ताल? बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ये मुझे मालूम है कि जो मृदंग में चारों तरफ ये जो थाप का जो चमड़ा लगा हुआ है ये मेरी माँ के शरीर का है और उस पर जब थाप लगती है तो मेरा कलेजा हिलता है, मैं मेरी संवेदनाएं प्रकट करने आता हूँ। तो आदमी को ऐसा होना चाहिए, माँ के कहीं भी किंचित मात्र किसी टाइप का दुख हो, किसी प्रकार की कोई संवेदना हो, तो वो संवेदना आपके हृदय तक उतरनी चाहिए। माँ का बीपी आपका बीपी होना चाहिए, माँ की हृदय की गति आपकी हृदय की गति होनी चाहिए, क्योंकि हम तो माँ के नाल से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए आप कुछ शब्द को सुनिए, जैसे आत्मा, जैसे परमात्मा, जैसे आसमा। अब इन तीनों के पीछे माँ लगा हुआ है। यदि हम यहाँ से माँ का शब्द हटा लेते हैं तो इन शब्द का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसका मतलब आसमा से लेके आत्मा से लेके परमात्मा तक भी माँ का यदि वर्ण यदि उसके पीछे नहीं लगता है तो वो संपूर्ण नहीं हो पाते हैं। होठों पे जिसके कभी कोई बद्दुआ नहीं होती, होठों पे जिसके कोई बद्दुआ नहीं होती, एक माँ ही ऐसी होती है जो बच्चों से कभी खफा नहीं होती। जिसने भी अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की वो ना यहां का रहा और ना वहां का रहा। मेरे जीवन में खुशियां बहुत आएगी, मेरी की दुआ की दुआएं हैं जो मेरे जीवन भर ही काम आएगी। माँ बहुत ही छोटा शब्द है, ना तो इससे कोई छोटा शब्द बना है और ना इससे कोई बड़ा शब्द बना है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि कबीर दास जी का दोहा है, सात समुद्र की मसीह करूं लेखनी सब वन राज, सब धरती का गत करूं माँ गुण लिखा न जाए कबीरा, माँ गुण लिखा न जाए। इसका अर्थ ये है कि यदि मैं सातों समुद्र की पानी की मसी का मतलब होता इंक शाही बना लूं, लेखनी सब वनराज सारे जितने भी वन फॉरेस्ट है उनकी लकड़ी की सब लेखनी बना लूं, सारी धरती कागज करूं मतलब पूरी धरती को मैं कागज बना लूं और फिर उस कलम और शाही से उस कागज पे लिखूं, तब भी माँ के गुण नहीं लिखे जा सकते। माँ के गुण अवर्णनीय है, अकथनीय है। माँ को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो माँ को समझ जाता है उसका जीवन सार्थक बन जाता है। तो मैं मेरी परम पूजनीय परम आदरणीय माता जी को सत सत चरण वंदन करता हूँ आज माता दिवस पे, और उनके श्री चरणों में एक भजन की भेंट करना प्रस्तुत कर रहा हूँ।
तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ मेरी माँ। ये जो दुनिया है, ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ मेरी माँ। दुखने लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखने लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया, मेरी निंदिया पे ओ मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया तू वारी है ओ माँ मेरी माँ। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, न्यारी न्यारी है ओ माँ मेरी माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे तू बलिहारी है हो माँ हो माँ। माँ बच्चों की चाह होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है वो, कितनी प्यारी है कि न्यारी न्यारी है ओ माँ मेरी माँ। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, न्यारी न्यारी है ओ माँ अम्बे माँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करो। अब मेरी आवाज़ भी गड़गड़ा गई है।